हेलो एवरीवन, इस वीडियोस में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी कैसे हो, प्रेग्नेंट कैसे हो, हाउ टू गेट प्रेग्नेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस होने की वजह से फीमेल में कुछ कॉम्प्लिकेशन होने लगता है, कंसीव नहीं कर पा रही होती है। जब वो प्लानिंग करना शुरू करती है तो कंसीव नहीं कर पा रही होती है। सिंस प्रेगनेंसी जो है ये कोई प्लानिंग नहीं होता है, ये नेचुरल फिनोमिना है। दो पार्टनर जब आपस में मिलते हैं, ये लव मेकिंग प्रोसेस है। जब मेल एंड फीमेल आपस में मिलते हैं तो मिलन होता है, तो मेल का कीड़ा एंड स्पर्म जिसे बोलते हैं एंड फीमेल का जो अंडा है, दोनों आपस में मिलते हैं तो एक जायकोट बनता है, तो वहाँ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। इसी तरीके से ये सारे प्रॉब्लम जो हो रहे हैं लाइफ स्टाइल चेंजेस की वजह से, जो कंसीव नहीं कर पा रही एक विमेन, ऑल दो उसके मैंसेज जो हैं टाइम से आ रहे हैं, बट फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रही है। तो इस वीडियोस में जानेंगे कि कब साथ में रहना है एंड इसमें जानेंगे कि कब इसका आप जान पाएंगे कि कब आपको अल्टरनेट डेज पे साथ में रहना है तो आपको कंसीव होने में कुछ हेल्प मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम साइकिल को जानते हैं। फीमेल में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं 28 डेज पे या 30 डेज पे आते हैं। जो मेंसेस जो नॉर्मल होते हैं वो 28 डेज का होते हैं। तो अब फीमेल के जो 28 डेज हैं, तो होता है क्या है, जब फीमेल का पहला दिन मेंसेस शुरू होता है उसी दिन से उसके अंडे के थैली में ढेर सारे अंडे होते हैं, लेकिन एक ही अंडा वहाँ से निकल के आता है। और वो एक अंडा जो निकल के आता है जिसे हम लोग उसे ओवुलेशन बोलते हैं। तो ये अगर इसके नॉर्मल साइकिल हो रहे हैं 28 दिन के जो रेगुलर मेंसेस हो रहे हैं, तो इसके पहले मेंसेस से लेके 14वां दिन को ओवुलेशन होते हैं, जो कि बहुत ही एक माने तो मेंसेस का ये खास, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये खास दिन होता है जो फीमेल में ओवुलेशन होता है। दैट मीन्स कि एक अंडा तैयार होकर वो निकलता है, तो वो 14वां दिन होता है। वैसे ही पहले मेंसेस से काउंट करेंगे, जिस दिन मेंसेस आया उस दिन से ही अंडा बनना शुरू हो जाता है, मतलब कि वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है। अंडे तो उसमें पहले से ही रहते हैं, बट मैच्योर फॉर्म में वो जब बनने लगते हैं, वो 14वां दिन बन के उसमें से निकलता है और वो वहीं पर रप्चर हो गया। सपोज ये थैली है, इसमें अंडे बन के इसमें से एक अंडे निकल के आया एंड देन ये फीमेल का फिमरिया है, जिसे हम लोग देखेंगे इमेज पे मैं दिखा दे रही हूँ। ये अंडा इसमें से निकल के आया, रप्चर होके निकल के जो ओवुलेशन प्रोसेस है, अब ये फिमरिया उसे पकड़ लेता है अंडे को और यहाँ ले जाता है। अब ये अंडा जो है यहाँ पे 18 से 24 घंटा तक यहाँ पे रहता है। अगर इसके दौरान वो अपने मेल जो अपने हस्बैंड या फिर अपने जो पार्टनर है उसके साथ वो सेक्स करती है, इंटरकोर्स करती है, तो उसका स्पर्म अगर आके इससे मिलता है तो वो फर्टिलाइजेशन होने लगता है। अब ये जो प्रोसेस है ये जो है बहुत ही इजी प्रोसेस है। अब अंडे जो होते हैं एक मैच्योर फॉर्म में 18 mm से लेके 20 mm का साइज का होता है। फीमेल के जो थैली का जो अंडा निकल के आता है उसे हम लोग 18 mm का या 20 mm का साइज का होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब वो फीमेल अपने ओवुलेशन प्रोसेस में होगी तो मेल को एंड फीमेल को कब साथ में रहना है, तो मैंने जो बता रही थी जैसे कि उसके मेंसेस से पहले दिन से काउंट करेंगे तो 14 डेज जिस दिन को होगा उस दिन ओवुलेशन रहता है। तो वो अपने पार्टनर के साथ डेट 11 से लेके 20 तारीख तक अल्टरनेट डेज से वो साथ में रह सकती है। मीन्स एक दिन गैप कर करके दोनों का मिलन जो है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, वो अल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं। 11 से डेट 11 से लेके डेट 20 तक या 22 तक, तो इस दौरान जो होता है अंडे जो रिलीज होके आएंगे तो वो मेल का स्पर्म होगा, वो दोनों मिल जाएंगे, देन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब मेल का जो स्पर्म है वो जो है कम से कम 5 दिन जो है उसके वेजाइना में रहता है, उसका जो है वहाँ पे वो जिंदा रहता है। डेट मीन्स कि वो लाइव रहता है
4 से 5 days तक, एंड वैसे ही फीमेल का जो अंडा है 18 से 24 घंटा तक वहाँ उसके फैलोपियन ट्यूब में रहता है। तो करना क्या है आपको, आपके मेंसेस रेगुलर आ रहे हैं बट आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके ओवुलेशन सपोज आपको पहले दिन से काउंट किए 14वां दिन आपका ओवुलेशन होने वाला है, तो अपने पार्टनर के साथ 2 से 3 दिन पहले ही साथ में रहना शुरू कर दे अगले एक हफ्ते तक अल्टरनेट डेज पे। तो इस तरीके से कंसीव होने का चांसेस रहता है। अब जैसे ये सारे तो हो गए, आपको एक कंसीव होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि प्लानिंग जो होता है प्रेगनेंसी कोई प्लानिंग नहीं होता है, ये एक लव मेकिंग प्रोसेस है। सो इस तरीके से होता है। अब हम इसमें देखेंगे कि सिर्फ ना ही प्रॉब्लम, कुछ और भी हो सकता है, जैसे मेल के सीमेन में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसमें सीमेन का स्ट्रक्चर देखा जाता है, सीमेन का कितने जो उसमें क्वांटिटी होते हैं वो कितना है, सीमेन का जो स्पर्म होता है वो दिखने में उसका स्ट्रक्चर सही है कि नहीं, उसका बनावट सही है कि नहीं, एंड वो मोटिलिटी है कि नहीं, स्पर्म एक्टिव है कि नहीं। तो सीमेन एनालिसिस एक रूटीन एग्जामिनेशन होता है जिसमें कि उसके सारे स्ट्रक्चर को, उसके केमिकल कंपोजिशन को, उसके माइक्रोस्कोपिकल जो सेल्स होते हैं उसमें सब में उसमें देखा जाता है कि ये स्पर्म भी सही है कि नहीं। इस तरीके से स्पर्म का भी एनालिसिस होता है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि फीमेल में कोई उसके यूट्रस हो या फिर उसके फैलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज तो नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर फैलोपियन ट्यूब है तो उसमें कहीं किसी टाइप के ब्लॉकेज तो नहीं है जिसके वजह से वो स्पर्म वहाँ जा नहीं पा रहा है, एंड देन इस तरीके से ब्लॉकेज भी देखा जाता है। कुछ ब्लड टेस्ट कराया जाता है एट द टाइम, कुछ हॉर्मोनल जो टेस्ट होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज हॉर्मोन जो होते हैं बहुत सारे हमारे जो प्रेगनेंसी में कंसीव करने में एंड देन ओवुलेशन में हेल्प करते हैं, तो हॉर्मोनल जांच भी कराया जाता है। इस तरीके से हम इस वीडियोस में जानें कि प्रेग्नेंट कैसे बने एंड कैसे इस कंसीव को मतलब कंसीव करा जाए, एंड ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट था हम इस वीडियोस में डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियोस में हम जानेंगे कि इस वीडियोस में तो हमने डिस्कस किया कि अगर नॉर्मल मेंसेस आ रहे हैं, दैट मीन्स कि 28 दिन जो होते हैं ये एक नॉर्मल मेंसेस होते हैं, 28 दिन जिसके होते हैं वो नॉर्मल मेंसेस होते हैं। अब किसी किसी में जो होता है आफ्टर 20 दिन के बाद ही हो जाता है, या फिर किसी किसी में होता है 21 दिन बाद होता है, या फिर किसी किसी में 34 दिन के बाद होता है, 35 दिन के बाद होता है, तो वो थोड़ा सा वो नॉर्मल नहीं होता है। तो उसके उस टाइम पे अगर ऐसे मेंसेस हो रहे हैं तो कब साथ में रहना है वो नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल।